नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 13,000 से अधिक को मिलेगी नौकरी, सफल अभ्यर्थियों को जल्द करना होगा ये काम। 1 मार्च से खुल रहे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल, बच्चों को सिखाना होगा कोविड बिहेवियर। अब सरकारी या गैर मजरूआ जमीन पर किया निर्माण तो खैर नहीं, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। फागुन से पहले जेठ जैसी गर्मी, बदल रहा मौसम, कहीं बीमार न कर दे आपको, भूल कर भी न करें ये काम। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानिए कब होगी वोटिंग और कब आएगा रिजल्ट। 8 से 20 मार्च तक चलेगा विशेष नामांकन अभियान, 1 से 9 कक्षा तक के बच्चों का होगा नामांकन, कैचअप कोर्स भी होगा शुरू। फरवरी में तीसरी दफे महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, सब्सिडी खात्मे की तरफ। इंटर की कॉपियों को जांचने का वक्त बदला, अब 12 मार्च से मैट्रिक की कॉपी भी जांची जाएगी। आम लोगों पर फिर पड़ेगी महंगाई की मार, ट्रांसपोर्टर्स ने 20% माल भाड़ा बढ़ाने की दी चेतावनी। 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अच्छी खबर, बकाया भत्ता के लिए सरकार ने जारी की राशि। अब खबरें विस्तार से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिसंबर 2020 में आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा 2014 का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित हो गया है। मुख्य परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर योग्य पाए गए 52,784 उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है। जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा में भाग लिया था वे आधिकारिक वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बीएसएससी के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद अब मुख्य लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, आशुलेखन परीक्षा एवं अन्य जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। टंकन परीक्षा मंगल फॉन्ट में होगा। आयोग ने पूर्व में ही निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी अपने दस्तावेज संबंधी अन्य सभी तैयारियां पहले से ही कर ले। ऐसे में जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं वो अब अपने दस्तावेज संबंधी तैयारियां कर ले। न्यूनतम कट ऑफ के अनुसार उम्मीदवारों की लिस्ट पीईटी संबंधी अन्य जांच के लिए जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के लिए लिस्ट भी आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड की जाएगी। नवीनतम अपडेट के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बता दें कि 13,200 पदों के लिए आवेदन 2014 में ही लिए गए थे, लेकिन अभी भी इसकी पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। अब उम्मीद है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया फाइनल रिजल्ट के साथ जून 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। प्राइमरी की कक्षा 1 से 5 तक की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद भी कुछ स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑनलाइन क्लास चालू रहेंगे। अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूलों के अनुसार पहले कुछ दिन बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल से अभ्यस्त कराने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कार्य कराए जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि एसओपी के अनुसार बच्चों को बुलाए जाने का निर्देश है। उन्होंने बताया है कि बच्चों का लंच ब्रेक होगा, लेकिन बच्चे अपनी सीट पर ही लंच करेंगे। इस पर शिक्षकों को विशेष ध्यान रहेगा कि बच्चे लंच एक दूसरे से शेयर न करें। एक साधारण क्लास में सिंगल बेंच पर एक एक बच्चे 6 फुट की दूरी पर बैठेंगे और अधिकतम 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। अधिकांश स्कूल खासकर कक्षा 1 से 5 के बच्चों पर कुछ दिनों तक पढ़ने का दबाव नहीं डालेंगे। डॉक्टर सीबी सिंह ने कहा कि चाहे स्कूली बच्चे हो या फिर बड़े लोग, हमें इस संक्रमण से कोविड बिहेवियर ही बचा सकता है। जी हाँ, बिहार में गैर मजरूआ जमीन पर अगर कोई किसी तरह का निर्माण करता है तो खैर नहीं, अगर पहले से ही ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है तो इस पर तत्काल रोक लगेगी। मुजफ्फरपुर जिले के एक मामले में बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के निदेशक सह अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश पत्र लिखा है। मुजफ्फरपुर डीएम को लिखे इस पत्र में साफ कहा गया है कि अब शमशान, कब्रिस्तान, गैर मजरूआ या सड़क की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं होगा। अगर पूर्व से ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है तो इस पर तत्काल रोक लगेगी। पत्र में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है, मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न अंचलों में सरकारी और गैर सरकारी काम के लिए जमीन का उपयोग किया गया है जो अनाधिकृत है। पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार की स्पष्ट नीति है कि सामाजिक महत्व और उपयोगिता के मद्देनजर शमशान, कब्रिस्तान और गैर मजरूआ या सड़क की जमीन पर किसी भी स्थिति में निर्माण नहीं करना है। फरवरी खत्म होने में अब भी 1 दिन बाकी है, लेकिन गर्मी ने लोगों को तरबतर करना शुरू कर दिया है। इस बार होली के करीब 1 माह पहले ही गर्मी अपने रंग में है। लोगों ने घर, कार्यालय सहित
अन्य प्रतिष्ठानों में पंखा, एसी और कूलर चलाना शुरू कर दिया है। मौसम में अचानक आए बदलाव का स्वास्थ्य पर भी बुरा असर दिख रहा है। वायरल बुखार, सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल इन्फेक्शन की काफ़ी मरीज आ रहे हैं। कारण ये है कि दिन में अधिक गर्मी होने से लोग गर्म कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं, जबकि शाम होते ही हल्की ठंड लगने लगती है। ऐसे मौसम में खुद का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बीमार होने का खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर भी इस मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दिन में अधिक शीतल पेय पदार्थ का सेवन इस मौसम के लिए घातक है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की गई है। बिहार चुनाव के बाद यह दूसरा मौका है जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कोरोना काल में कराया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। कोरोना काल के बाद से पहली बार एक साथ 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले बिहार में भी कोरोना काल में ही चुनाव को संपन्न कराया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से NDA की सरकार बनी है। असम में 3 चरणों में चुनाव होगा। 27 मार्च को पहले, 1 अप्रैल को दूसरे और 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि असम में चुनाव का परिणाम 2 मई को आएगा। केरल और तमिलनाडु में सिर्फ 1 चरण में चुनाव होगा। 6 अप्रैल को केरल और तमिलनाडु के सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी 1 ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। इस राज्य में 6 अप्रैल को ही मतदान होगा। इन तीनों राज्यों में मतगणना 2 मई को ही होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च को पहले चरण, 1 अप्रैल को दूसरे चरण का, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का, 10 अप्रैल को चौथे चरण का, 17 अप्रैल को पांचवें चरण का, 22 अप्रैल को छठे चरण का, 26 अप्रैल को सातवें चरण और आखिरी यानी 8वें चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। कक्षा 1 से 9 तक के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सत्र 2021-22 के लिए 8 मार्च से 20 मार्च तक विशेष नामांकन अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग ने अप्रैल 2021 के प्रथम सप्ताह से कैचअप कोर्स चलाने का भी फैसला लिया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा है। स्कूल नहीं जाने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। देश में कमरतोड़ महंगाई ने आम लोगों के किचन में आग लगा रखी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक तरफ आसमान को छूती जा रही है, तो दूसरी तरफ रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी हर दिन इजाफा हो रहा है। फरवरी महीने में तीसरी बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक बार फिर से बढ़ा दी है। गुरुवार को प्रति सिलेंडर 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत पटना में 867.50 रुपये से बढ़कर 892.50 रुपये हो गई है। फरवरी महीने में गैस सिलेंडर की कीमतों के अंदर यह तीसरी बड़ी वृद्धि है। फरवरी में ही गैस सिलेंडर 100 रुपया महंगा हो चुका है। बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन कराने का फैसला किया था, लेकिन अब कॉपियों की जांच 5 मार्च से शुरू होगी। गुरुवार को मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर तारीखों का बिहार बोर्ड ने फिर से निर्धारण कर दिया है। बोर्ड ने सभी जिलों के DM को पत्र लिखकर कहा है कि इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन का काम जो 26 फरवरी से शुरू होना था, अब 5 मार्च से शुरू होगा। 5 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक इंटर की कॉपियों को जांचा जाएगा और मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन भी अब 12 मार्च से शुरू होगा। मैट्रिक की कॉपियां 12 मार्च से 24 मार्च के बीच जांची जाएंगी। पहले मैट्रिक की कॉपियों की जांच 5 मार्च से 17 मार्च तक होनी थी, लेकिन अब इसके समय में बदलाव किया गया है। बिहार बोर्ड में मूल्यांकन के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कही गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार इसके दामों में इजाफा हो रहा है। वहीं लगातार बढ़ते डीजल के दाम को देखते हुए महंगाई और बढ़ने को लेकर आशंका बढ़ गई है। डीजल के बढ़ते दाम को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा बढ़ाने की चेतावनी दी है। बिहार राज्य ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन 20% तक माल भाड़ा में इजाफा करने की बात कही है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। महंगाई का मार झेल रहे आम आदमी पर और महंगाई की मार पड़ेगी। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के महामंत्री नवीन कुमार ने बताया कि पहले ही ढुलाई लागत बढ़ने के कारण दाल, तेल सहित कई चीजों की कीमत बढ़ चुकी है।
अब यदि फिर से माल भाड़ा बढ़ा तो दाल तेल सहित राज्य के बाहर से आने वाली उपयोग की अन्य वस्तुओं के दाम में इजाफा होना तय है। लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए मालवाहक और यात्रीवाहक गाड़ियों के मालिक मीटिंग कर अपनी विरोध की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में विरोध में ऑटो चालक 26 फरवरी को सड़क पर उतरेंगे और आगे का फैसला लेंगे। आज के 2.5 लाख के पंचायत और कचहरी के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनके बकाए भत्ते का भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। अगस्त 2020 से फरवरी 2021 तक के भत्ते का भुगतान अब संभव हो पाएगा। पंचायती राज विभाग ने सभी जिले को निर्देश जारी किया है और इसके लिए कुल 112 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में 8386 पंचायतों की संख्या है। बिहार में पिछले 6 महीने से अधिक दिनों का प्रतिनिधियों का भत्ता बकाया है। कई जगह से लगातार शिकायतें आ रही थी कि अगस्त 2020 के पहले का भी भत्ता प्रतिनिधियों को नहीं मिला है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।